हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम शर्मिला है और आज हम बनाने जा रहे हैं प्लम केक, इसे फ्रूट केक भी कहते हैं। और ये न्यू ईयर के टाइम पे और क्रिसमस के टाइम पे लोग काफ़ी पसंद करते हैं खाना और बनाना भी। और आप देख रहे हैं कि हमारा जो केक है कितना अच्छा सॉफ्ट बना है, बहुत ही मोस्ट बना है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलिए बनाते हैं केक। और इसमें ये लगने वाली सभी चीज़ों का लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो केक बनाने से पहले हम अपने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से सोक करेंगे, भिगो के रखेंगे। कम से कम मैं एक दिन के लिए रखूँगी, आपके पास अगर टाइम कम है तो आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने किशमिश लिया है, टूटी फ्रूटी और चेरी लिया है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप उसे ले सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें डालूँगी, आप देख रहे हैं मैंने ऑरेंज लिया है, हमें ऑरेंज का जो ऊपर वाला छिलका होता है उसे लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कद्दूकस करने वाला छिलनी, उसके ऊपर मैं इस तरीके से इसे निकाल रही हूँ। हमें वाइट पार्ट को नहीं लेना है, सिर्फ ऑरेंज पार्ट को लेना है। एक छोटा चम्मच मैं इस तरीके से निकाल के ले ली हूँ। इसके साथ मैं नींबू के भी ऊपर वाले पार्ट को लूँगी, आप देख सकते हैं इस तरीके से निकालना है। वाइट पार्ट को आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा वरना वो कड़वा फ्लेवर देता है, हमें सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को चाहिए जिससे कि इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाए। अब मैंने यहाँ पे एक हैंड जूसर लिया है, आप देख सकते हैं, अब मैं ऑरेंज को मैं इस तरीके से कट करूँगी और इसका जूस निकालूंगी। मैं यहाँ पे ऑरेंज जूस का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप रम का यूज़ करते हैं तो आप इसमें रम डालें और इसे 1 से 2 दिन तक भिगो के रखें। मैं या तो आप मार्केट का भी जूस ले सकते हैं आपके पास अगर फ्रेश जूस नहीं है तो। यहाँ मैंने 100 ml के आसपास इसमें डाला है 100 ml, और इस तरीके से इसे अच्छे से भिगोना है, अच्छे से मिक्स करके आप इसे, अब मैं तो यहाँ पे एक दिन के लिए सोक करके रखूँगी, आप चाहिए तो 2 घंटे में इसको यूज़ कर सकते हैं। बट जितना अच्छे से ये फूलता है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। अगर आप रम डाल रहे हैं तो इसे 1 हफ्ते तक ज़रूर करें। और इस तरीके से मैंने इसे रख दिया है और आप देख सकते हैं 1 दिन के बाद ये कितना अच्छा फूल गया है सारा का सारा, कितना अच्छा ऊपर तक आ गया है सारा का सारा। ऑरेंज जूस तो जूस जो था वो पूरा का पूरा इसमें ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं पूरा ख़त्म हो गया है। इस तरीके से हमें भिगो के रखना है। अब हम बाकी की तैयारी करेंगे। दोस्तों, केक का बैटर बनाने से पहले मैंने यहाँ पे एक केक पैन लिया है, उसमें मैंने बटर लगाया है। अब मैं इसमें मैदा डालूंगी और इससे अच्छे से एक कोटिंग बनाऊंगी इसका। आप चाहिए तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने इस तरीके से किया है। तो दोस्तों, अब हम इसके बैटर की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और यहाँ मैंने 150 ग्राम बटर लिया है। एक बात का ध्यान रखिएगा इस केक में कि आप जितना बटर डालेंगे उतना ही आपको मैदा भी लेना है, उतना चीनी लेना है और उतना ही ड्राई फ्रूट्स लेना है, तब आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 150 ग्राम बटर लिया है और ये एक सॉफ्ट बटर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल होम नॉर्मल टेम्परेचर का है, आप फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट ना यूज़ करें। और यहाँ मैं इलेक्ट्रिक वीटर ले रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो ये नॉर्मल हैंड वीटर जो घर में नॉर्मली सबके होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक का काम कर रही हूँ क्योंकि इससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे लिया है। और इस तरीके से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर मुझे इसको देना है सबसे पहले। और इस तरीके से मैंने इसे साइड से बीच में कर लिया है जिससे कि इक्वल तरीके से अच्छे से ये मिक्स हो। अब मैं इसे एक बार और इस तरीके से मिक्स करूँगी, आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है, ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो अब हम इसमें हमारा जो शुगर है मैं उसे ऐड करूँगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ मैंने वाइट शुगर का यूज़ किया है पाउडर का, आप इसके जगह अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप उसका यूज़ ज़रूर करें। तो यहाँ मैंने चीनी लिया है, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसके साथ में। अब मैंने यहाँ पर 2 भाग में मैंने लिया है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप डालें और इसे मिक्स करें तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है इसका। और मैं यहाँ पे 3 अंडे ली हूँ 150 ग्राम के हिसाब से, आप 50 ग्राम के हिसाब से 1 अंडे लीजिए। और यहाँ क्योंकि मेरा जो बाउल है केक का टिन वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा कम लग रहा है। एक एक अंडा मैंने इस तरीके से तोड़ा है और इसे मिक्स किया है, आप देख रहे हैं एक एक करके डाल रही हूँ, 1 at a time डाल रही हूँ, 2-3 अंडे एक साथ में मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ। 1 अंडा डाला मैंने, मिक्स किया और इस तरीके से इसे अच्छे से फेंटना है।
अब मैंने एक प्लेट ले लिया और इसमें हम एक छन्नी लेंगे। अब देख रहे हैं मैंने एक छन्नी लिया है छानने के लिए, और इसमें मैं अपना 150 ग्राम मैदा डाल रही हूँ। मैंने 150 ग्राम मैदा भी लिया है इस तरीके से, और इसमें मैं डालूँगी हमारा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। एक छोटा चम्मच हमें बेकिंग पाउडर चाहिए, आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कोकोआ पाउडर, यहाँ पे मैं 2 छोटा चम्मच कोकोआ पाउडर डाल रही हूँ। इसका कलर थोड़ा ब्राउन होता है इसका, और मेरे पास ब्राउन शुगर नहीं था तो आप मैंने कोकोआ पाउडर का यूज़ किया है। चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ में डाल रही हूँ मैं कुछ मसाले, यहाँ पर मैंने लिया दालचीनी का पाउडर 1 छोटा चौथाई चम्मच, यहाँ मैंने लिया है गरम मसाला 1 छोटा चौथाई चम्मच, और यहाँ मैंने लिया है नटमेग जो जायफल होता है उसको भी मैंने लिया है उसका पाउडर 1/4 चम्मच। इन सबको मैं इसमें डाल दूँगी और इसे इस तरीके से मैं छन्नी से छान लूँगी। आप देख सकते हैं इससे क्या रहता है कि कोई लम्स नहीं रहेगा इसमें, आप देख रहे हैं इस तरीके से। आप इसे छान लीजिए और इसे एक बार मिक्स कर लीजिए, इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है हमारा बटर जिसे मैंने इस तरीके से मिक्स किया था, इसे मैंने एक बार और मिक्स किया, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके जो हमारा फ्लावर था उसे मैं ऐड करूँगी और उसे मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने वेनिला एसेंस और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला था जो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ। आप थोड़ा सा इसमें 1/2 चम्मच वेनिला एसेंस और 1/4 चम्मच नमक भी डाल दीजिए, उससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है और अंडे का जो स्मेल होता है वो चला जाता है। यहाँ मैंने जूस लिया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 100 ml के आसपास यहाँ पे जूस का यूज़ किया है। इसको अच्छे से एक इसका कंसिस्टेंसी जो होता है हमारा बैटर का उसको देने के लिए, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने मैदा डाला, फिर इसमें जूस डाला और इसे अच्छे से मैंने मिक्स किया है। इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपना जो ड्राई फ्रूट्स था उसके अंदर मैंने काजू बादाम और अखरोट लिया था, और उसमें मैं थोड़ा सा मैदा डालूंगी जिससे कि हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो अंदर जाके ना बैठे। मेरा बाल छोटा हो रहा था इसलिए मैंने बड़े में इस तरीके से इसे मिक्स किया है 2 चम्मच मैदा को। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जिससे कि जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है वो जहाँ रहे वहीं सेट रहे, ज़्यादा नीचे जाके पकने के टाइम पर जाके बैठ ना जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे डाला है, आप देख सकते हैं। और इससे भी हम बहुत ही अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे स्पैचुला से, इस समय हमें किसी बिटर का यूज़ नहीं करना है। मैं इस तरीके से हल्के हाथों से इसे मिक्स कर रही हूँ, हमें इसी तरीके से फोल्ड एंड कट मेथड से मिक्स करना है, और ये बहुत ही अच्छा केक बनता है। मैंने बनाया था तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मॉइस्ट बना था, आप इसे ज़रूर बनाइए, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। आप देख सकते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है कि आप कितना डालना चाहते हैं, लेकिन मैंने इतना डाला काफ़ी सारा, मतलब जितना इक्वल क्वांटिटी होता है उतने में अगर आप बनाइएगा, सबका मेजरमेंट इक्वल रखिएगा तो एकदम परफेक्ट बनता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मीठा भी परफेक्ट था, और इसका जो देख रहे हैं बैटर कितना अच्छा बन गया है एकदम बराबर। अब मैंने अपना टिन लिया है जिसे मैंने कोटिंग करके रखा था, इसमें मैंने सभी को डाल दिया। इस तरीके से डालने के बाद तो इसे हम इस तरीके से ठोकेंगे जिससे जो एक्स्ट्रा एयर रहेगा वो निकल जाएगा, और आप देख सकते हैं बैटर को मैंने पूरा नहीं भरा है, 60% ही हमें इसमें भरना है। तो दोस्तों अब इसे हम बेक करेंगे। बेक करने से पहले मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से इस तरीके से इसे ऊपर से पूरी तरीके से कवर कर दिया है जिससे कि ऊपर का सरफेस हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। इसे मैं 180 डिग्री सेल्सियस पे कम से कम 1.5 घंटे के लिए रख रही हूँ। आप 50 मिनट के बाद इसका एल्यूमिनियम फॉइल निकाल दें और इसे चेक करें उसके बाद कि बना है कि नहीं बना है, टाइमिंग आपको थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है। तो दोस्तों इसे 1.5 घंटा लगा था बनने में, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से रेडी हो गया है। आप इस तरीके से कोई चाकू लें या टूथपिक लें और आप उसे अंडा डाल के देखें, कोई एकदम क्लीन बाहर आ जाएगा, मतलब कि हमारा केक अच्छे से रेडी हो गया है। और ये साइड से भी छोड़ दिया है, और इसे हम ठंडा कर लेंगे और इस तरीके से हम इसे एक प्लेट के सहायता से इसे निकाल लेंगे। बड़ी ही आसानी से निकल जाती है ये, और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ऊपर का जो हमारा सरफेस है एकदम परफेक्ट बना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इसलिए मैंने एल्यूमिनियम फॉइल 1/2 टाइम के लिए डाला था, उसके बाद मैंने इसे निकाल दिया था और ये बहुत ही मॉइस्ट बना था। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।